नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 25 जुलाई और 25 जुलाई को आपका फोर्थ शिफ्ट का एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम था आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फोर्थ शिफ्ट में आपके जीके जीएस के कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो प्रश्न आपका पूछा गया था आज, इजी, बहुत इजी प्रश्न था कि गुरु विपिन सिंह का संबंध है जो कि कौन से शास्त्रीय नृत्य से। ठीक है, तो आज दो आपका दो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रश्न आया था, दोनों आपका मणिपुरी से ही आया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका मणिपुरी हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे कलावती देवी का, जो जिनका भी संबंध आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से ही है। और कलावती की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका गुरु विपिन सिंह की क्या थी, तो गुरु विपिन सिंह की दोस्तों पत्नी थी। ठीक है, इनकी एक बेटी हुई आपका बिंबावती देवी। ठीक है, ये भी आप इनका भी संबंध है वो दोस्तों आपका मणिपुरी नृत्य से भी है। ठीक है, तो बिंबावती, कला देवी, ये सभी जो नर्तक हैं वो इनका जो संबंध है आपका मणिपुर से है। इसके अलावा नैना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना, ये सभी जो आपके बहनें हैं वो दोस्त उनका भी संबंध आपका मणिपुरी नृत्य से ही है। ठीक है, तो ये दोस्तों आज का पहला प्रश्न। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जिन लोगों का एग्जाम अभी बाकी है या आपका होना है या नेक्स्ट आपका जो सीएचएसएल का होना है या एमटीएस का होना है उनके लिए, ठीक है, एसएससी सीजीएल का अब तक के जितने शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं 25 तारीख तक, सभी का कम्बाइंड पीडीएफ तैयार किया गया है जिसका शुल्क मात्र 20 रुपये है। ये जो पीडीएफ है आपको मात्र, सॉरी, 25 रुपये है। 25 रुपये के आपके शुल्क में ये आपका पूरे एसएससी सीजीएल एग्जाम का पीडीएफ मिलेगा, जो कि 27 जुलाई तक एग्जाम आपका चलना है। उसमें पूछे गए जीके जीएस करंट अफेयर्स के 1000+ प्रश्न रहेंगे, सभी प्रश्नों के साथ इंपॉर्टेंट आपके एक्स्ट्रा फैक्ट्स रहेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों का एग्जाम आप ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी डायरेक्ट आप लोग आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोग को नहीं विश्वास है तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग स्टूडेंट का ही रिव्यू है जो कि हमने आपके सामने कुछ प्रस्तुत किए हैं। आपके पीडीएफ से 6 क्वेश्चन आपके यहाँ हैं, ये आपका था। एक बच्चे ने बोला था कि सर 5 क्वेश्चन रिपीट किया है आपके पीडीएफ से। ठीक है, तो पीडीएफ चाहे फ्री हो चाहे पेड हो, दोनों से आपका प्रश्न बन रहे हैं। पेड पीडीएफ लीजिएगा तो आपका यही है कि सभी प्रश्न आपको एक साथ मिलेंगे, बाकी फ्री पीडीएफ लीजिएगा तो जो आपका जो प्रश्न है आपका टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का जो आपका क्वांटिटी होगा थोड़ा सा उसमें कम होगा, क्योंकि बाद में क्वेश्चन ऐड किया जाता है फिर पीडीएफ में, फिर अपडेट किया जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि किस मुगल शासक ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था, जिन्हें बाद में रंगून निर्वासित कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बहादुर शाह जफर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके बहुत बार मैंने बता चुका है, पीडीएफ में आपको दिया था, जब जब आपसे पूछा गया था 1857 के क्रांति से संबंधित प्रश्न। दो प्रश्न अभी तक पूछे गए, एक आपका बिहार का पूछा गया कि बिहार से नेतृत्व कौन कर रहा था, तो इसका राइट आंसर आपका कुंवर सिंह था। एक आपका कल पूछा गया था आपका बरेली से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो इनका शायद आपका राइट आंसर क्या था आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो ये आपका दो प्रश्न आपके बने थे, उस समय हमने आपको बताया था कि दिल्ली से जो नेतृत्व कर रहा था आपका मुगल शासक बहादुर शाह जफर, जो कि आपका मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका, जो श्रीलंका का जनसंख्या घनत्व पूछा गया था शायद। ठीक है, इसका जो जनसंख्या जो घनत्व में, इसमें थोड़ा सा डाउट है कि 2020 का पूछा गया था या 2022 का पूछा गया था। ठीक है, एक स्टूडेंट ने कहा कि 2020 के वर्ल्ड बैंक के रिकॉर्डिंग पूछा गया था, एक आपका 2022 बता रहे थे। ठीक है, तो हम 2022 का डेटा लिए हैं। ठीक है, श्रीलंका का जो जनसंख्या घनत्व 2022 के अनुसार वो आपका 332.76 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके अलावा पाकिस्तान का भी हम वही डेटा लिए हैं 2022 का ही, पाकिस्तान का भी जनसंख्या घनत्व 296 है। बांग्लादेश का आपका सबसे ज़्यादा, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो बांग्लादेश का है 1156, चीन की बात करेंगे तो 148 है, म्यांमार आपका 80 है, अफगानिस्तान का जनसंख्या घनत्व 63 है, भारत की बात करेंगे 2022 के अकॉर्डिंग तो 431 है, और ऐसे आपका जो 11 के जनगणना हुआ था उसके अकॉर्डिंग 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका 2022 का था। इसके अलावा अगर आपका 2020 के रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अनुसार पूछा होगा तो श्रीलंका का घनत्व आपका 354 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार पूछा था या आपका 2020 के अनुसार पूछा था। ठीक है, इसके अलावा अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था आपका,
ब्रह्म समाज के संस्थापक है जो कि कौन है, ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक का नाम पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय हो जाएगा, ठीक है। राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, 1828 में इसका स्थापना किए थे, ठीक है। इसके अलावा शायद आपका आर्य समाज का भी पूछा गया था, शायद ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन आर्य समाज का जो स्थापना आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, ये शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे, ठीक है। इसके अलावा राजा राम मोहन राय जी को भारतीय नवजागरण का पिता जनक भी कहा जाता है। इसके अलावा मुख्य समाज सुधारकों में से एक थे जिन्होंने सती और बाल विवाह की प्रथाओं को समाप्त करने के लिए अभियान चलाया था। जैसा कि आपको मालूम होगा सती प्रथा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा हटाया गया था, तो ये आपका राजा राम मोहन राय जी का ही प्रयासों से हटाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि संतूर वादक है, ठीक है। तो संतूर वादक में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा शिव कुमार वर्मा, जो कि ऑप्शन में दिया गया था वो राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका कहाँ से ताल्लुकात रखते हैं, तो जम्मू कश्मीर से ताल्लुकात रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन क्या पौधे में नहीं पाया जाता है। चार ऑप्शन में दिया गया था, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली के अंदर, ठीक है। इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है, अगर आप लोग को मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, FIVB वॉलीबॉल विश्व कप चैंपियनशिप 2022 है जो कि कहाँ आयोजित हुआ है, ठीक है। 2022 का पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका दो जगह आयोजित हुआ है, नीदरलैंड और पोलैंड, जो कि आपका आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। इसके अलावा 2022 के चैंपियन की बात करेंगे तो सर्बिया आपका चैंपियंस था। इसके अलावा भारत 2023-24 में करेगा वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी, ठीक है। तो वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2024-23 की मेजबानी आपका भारत करेगा, 22 का आपका नीदरलैंड पोलैंड किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वित्तीय वर्ष जो कि आपका कब से कब तक होता है, तो ये दोस्तों आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक चलता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक दोस्तों आपका क्या होता है, वित्तीय वर्ष होता है, ठीक है। ये आपका एक वर्ष की अवधि होती है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो स्टेशन जो कि किसने चलाया था। उषा मेहता, जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया था, राइट आंसर हो जाएगा। उषा बेन के नाम से मशहूर डॉक्टर उषा मेहता कांग्रेस रेडियो के आयोजन के लिए जानी जाती है। 14 अगस्त 1942 को उषा और उनके कुछ करीबी सहयोगियों ने सीक्रेट कांग्रेस रेडियो शुरू किया था, जो एक गुप्त रेडियो स्टेशन था, जो कि 27 अगस्त 1942 को प्रसारित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मार्च 2022 में चाइल्ड बजट किसने पेश किया था, तो मध्य प्रदेश सरकार ने पेश किया था चाइल्ड बजट। तो मध्य प्रदेश देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य, पहला राज्य बन गया है। उनके जो वित्त मंत्री थे आपके जगदीश देवड़ा, 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा था कि बच्चों के शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक विकास पर ध्यान देना जरूरी है, इसलिए पहली बार चाइल्ड बजट है जो कि लाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यपाल को पद ग्रहण के समय किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है, तो उस न्यायालय के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। मान लीजिए यूपी के अगर राज्यपाल हैं तो यूपी के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा ही राज्यपाल का शपथ है जो कि दिलाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा राज्य केंद्र शासित प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा राज्यपाल सरकार के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर कार्यकारी का होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य संसदों को, अन्य संसद सदस्यों को क्या करता है, शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अखाम लक्ष्मी देवी कौन से नृत्य से संबंधित है, तो मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। जैसा कि हमने आपको कहा था, दो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रश्न आए थे, एक आपका अखाम लक्ष्मी देवी, दूसरा आपका गुरु विपिन सिंह, ठीक है। 2018 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 15 अगस्त 2022 को जब भारत आपका 75वां आपका ये 75वां बना रहा था अमृत महोत्सव, तो हर घर तिरंगा के अभियान तहत सरकार ने कितने दिन तक झंडा फहराने को बोला था, तो 13 से 15 अगस्त के बीच आपका है जो झंडा फहराने बोला था, 13 से 15 अगस्त आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म का पालन करता है, तो कनिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी है, कनिष्क महान के रूप में जाना जाता है। 2 शताब्दी में ईसवी में कुषाण समाज का सम्राट था, वो अपनी सैन्य, राजनीतिक, आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए भी प्रसिद्ध था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हिमाचल प्रदेश से कौन सी नदी का उद्गम होता है जिसका लंबाई 720 किलोमीटर है, ठीक है। ऑप्शन में एक रावी नदी दिया गया था, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर था। बात करें हिमाचल प्रदेश की नदियाँ की और उसके लंबाई की, तो देखिए सतलज नदी का आपका हिमाचल प्रदेश निकलता है, टोटल आपका 1448 किलोमीटर बहता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में बात करेंगे तो 320 किलोमीटर बहता है। रावी नदी आपका 720 किलोमीटर टोटल बहता है, हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर बहता है। इस व्यास नदी की बात करेंगे, व्यास नदी का, तो 460 किलोमीटर टोटल बहता है, अरुणाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर बहता है। चिनाब नदी भी आपका हिमाचल प्रदेश से निकलता है, 1200 किलोमीटर टोटल इसका लंबाई है, जिसमें 22 किलोमीटर आपका सिर्फ हिमाचल प्रदेश में। यमुना की बात करेंगे तो 1525 किलोमीटर, और स्मॉलेस्ट रिवर हिमाचल प्रदेश कौन है, तो आपका यमुना ही है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ग्राम पंचायत का गठन का उल्लेख होता है, उसका अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो आपका अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। इसके अलावा संविधान का जो अनुच्छेद
44 है, वो बताता है राज्य अपने नागरिकों के लिए पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 क्या कहता है, तो आधुनिक और वैज्ञानिक रेखाओं पर कृषि और पशुपालन का आयोजन करेगा। अनुच्छेद 48, 44, 40 दोनों याद, तीनों याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था आपका, हॉकी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था कि हॉकी में अगर एक प्लेयर को दूसरे प्लेयर को टच कर देता है तो कौन सा पेनल्टी देता है। तो ये प्रश्न आपका क्लियर अभी तक नहीं मिल पाया है पूरा लैंग्वेज के साथ, अगर आप लोग को मालूम है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक प्रश्न आपका कंगारू से पूछा गया था, कंगारू दिया गया था, पूछा गया था कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया दिया गया था, वो भी आपका डिजर्ट का नाम दिया गया था। बाकी दो और ऑप्शन थे जिसको बच्चे को याद नहीं थे, बाकी आप लोग को अगर याद है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा इन दोनों पर, इन दोनों का प्रश्न, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि ए सी बराबर वी स्क्वायर आर बट्टा आर में वी क्या है, तो वी दोस्तों आपका वेलोसिटी है, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका आज के शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न आपके आज के फोर्थ शिफ्ट पूछे गए थे जो कि आपका 100% रियल प्रश्न है। बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऑल शिफ्ट का पीडीएफ लेना चाहते हैं जिससे कि आपका 5 से 6 प्रश्न आपका हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है उस पीडीएफ से, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको सामने यहाँ पर दिया गया है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में कॉमेंट में पिन कर दिया जाएगा, डायरेक्ट व्हाट्सअप रिडायरेक्ट भी आप हो सकते हैं वहाँ से। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में, जब तक के लिए आप जय हिंद जय भारत।